भारतीय शिक्षण मंडल एवं मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग भोपाल के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन सेज विश्वविद्यालय भोपाल के प्रांगण में किया गया। एक दिवसीय संगोष्ठी का विषय रोल ऑफ प्राइवेट फंडेड यूनिवर्सिटी इन NPE 2020 ऑटोनॉमी इन गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकादमिक था। उद्घाटन सत्र की शुरुआत मंच पर उपस्थित अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय शिक्षण मंडल के ध्येय मंत्र एवं ध्येय के वाचन से हुआ। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव, भारतीय शिक्षण मंडल के संगठन मंत्री बी शंकरानंद, अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री महेश धावक, भारतीय शिक्षण मंडल के प्रचार मंत्री संजय पाठक, महामंत्री भारतीय शिक्षण मंडल एवं निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भरत शरण सिंह, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि एवं सचिव मनीष जोशी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस दौरान बी शंकरानंद ने बताया कि मंथन से केवल अमृत नहीं निकला, विष भी निकला है और मनुष्य निर्माण का कार्य व्यवसाय नहीं होना चाहिए। लर्निंग सेंट्रिक नहीं लर्नर सेंट्रिक शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षण केंद्रों को अपराध मुक्त गांव, बेरोजगारी मुक्त समाज बनाने के लिए अपने आसपास के गांव को गोद लेना चाहिए। कार्यक्रम की पृष्ठभूमि एवं विषय पर प्रकाश डालते हुए अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री महेश धावक ने बताया कि भारतीय शिक्षण मंडल ने नीति आयोग के सहयोग से पूरे देश भर में 586 वेबिनार किए हैं और 70,000 से अधिक अवेयरनेस प्रोग्राम आलाप के 4 कार्यक्रम भी देश भर में किए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने आनंदशाला पर अपने वक्तव्य में कहा कि भारत की परिकल्पना में शासन अधीन शिक्षा व्यवस्था नहीं अपितु समाज पोषित शिक्षा व्यवस्था रही है, परंतु ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मैकाले ने इसे समाप्त किया। कार्यक्रम के दौरान महामंत्री भारतीय शिक्षण मंडल एवं निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भरत शरण सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के पंच प्रण एवं कलेक्टिव व रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोलते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने का कैरिकुलम बनाना है, साथ ही वन अर्थ वन फैमिली के लक्ष्य को रखकर हम लोगों को बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है। इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि एवं सचिव मनीष जोशी को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपा गया। उन्होंने ड्राफ्ट स्वीकार कर भारतीय शिक्षण मंडल एवं अजयन टीम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि इस आनंदशाला ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य को आसान किया तथा आश्वासन दिया कि इस आनंदशाला के मंथन से प्राप्त अनुशंसाओं को हम इसे स्वीकार कराने और भलीभूत कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 45 निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, उपकुलपति, कुलाधिपति एवं कुलपति प्रतिनिधियों और भारतीय शिक्षण मंडल के सहकोष प्रमुख डॉक्टर राजन चोपड़ा ने भी हिस्सा लिया।